दिव्यांग महागठबंधन के कानपुर, कन्नौज, इटावा आदि जिलों के पदाधिकारियों व सदस्य 25 अक्टूबर को लखनऊ बीजेपी कार्यालय विधानसभा के सामने होने वाले आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन ने मलाहल चौराहा पर रोका। उक्त जानकारी देते हुए दिव्यांग महागठबंधन के प्रदेश प्रवक्ता तयम श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिव्यांग महागठबंधन के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार व पदाधिकारियों का उन्नाव आगमन 2 बजे होना था, फिर बाद में उन्नाव से लखनऊ के लिए रवाना होना था, परंतु उत्तर प्रदेश की निकम्मी भाजपा सरकार ने एक बार फिर पुलिस को आगे कर दिव्यांग का मरहल चौराहे पर कानपुर पुलिस के जाने से रोक दिया। और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुनाते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कार्यक्रम? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी महासचिव, दिव्यांग महागठबंधन। आज हम लोग कानपुर से लखनऊ के लिए पदयात्रा पर निकले थे। पुलिस प्रशासन कल से हम लोग को परेशान किए हुए हैं और आगे नहीं जाने दे रहा। इसकी वजह से हम लोगों ने आज ट्रकों में का सहारा लिया और गाड़ी वगैरह सब जो है ट्रकों में लाद करके हम लोग लखनऊ के लिए कूच कर गए हैं। सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है, अफसर शाही हावी है। 10 महीने से लेखपाल पद पर चयनित दिव्यांग इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला है, मुख्यमंत्री के पास राजस्व विभाग है और बेलगाम हो गया। सीजनल अमीन जो हैं उनका भी विनियमितीकरण की फाइल मुख्यमंत्री के पास है, सैकड़ों बार आश्वासन दे चुके हैं, कुछ नहीं होता है। मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार है वो बोगस है, केवल आश्वासन मिलता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। अधिकारी जो है बेलगाम हो गए, आत्महत्या के लिए दिव्यांगों को उकसा रहे हैं। गाजीपुर का अभिषेक सदमे में आत्महत्या कर ली उसने, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों के खिलाफ न FIR दर्ज हो रही है, न कार्रवाई हो रही है, सब मौज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए 25 तारीख को हम लोग जो है विधानसभा के सामने भारतीय जनता पार्टी के आने आने का घेराव करेंगे और उनको आईना दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे।